हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। एक और नया वीडियो लेकर दोस्तों आपके लिए आ गया हूँ। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से भारत के बाजार में लॉन्च होने वाली एक और फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज के बारे में। Xiaomi दोस्तों जल्द ही भारतीय बाजार में Xiaomi 11T एक फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने जा रही है। और दोस्तों Xiaomi 11T सीरीज के तहत कंपनी Xiaomi 11T और Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। और दोस्तों लॉन्चिंग से पहले ही इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस इसके स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi 11T सीरीज के इन दोनों स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हे गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम्चोटेक। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi 11T स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यह स्मार्टफोन Android 11 में MIUI 12.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है। डिस्प्ले की अगर बात करें दोस्तों तो इस स्मार्टफोन में आपको 667 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 480Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आएगी। कंपनी ने दोस्तों यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर आपको कंटेंट देखने और गेमिंग करने के लिए एक बेहतरीन डिस्प्ले मिल जाती है। दोस्तों स्मार्टफोन का वेट है 203 ग्राम, जबकि इसकी थिकनेस है 8.8 mm। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी दोस्तों स्मार्टफोन में मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1200 चिपसेट का इस्तेमाल कर सकती है, जो दोस्तों एक ऑलराउंडर बेहतरीन चिपसेट माना जाता है। आपको दोस्तों स्मार्टफोन में LPDDR5 और USB 3.1 का सपोर्ट मिलने वाला है। कैमरे की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपको AAA कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों 108MP का शानदार प्राइमरी कैमरा होने वाला है, जबकि 208MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मोड और 5MP का मैक्रो लेंस होने वाला है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी 16MP का कैमरा सेटअप दे सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक शानदार कैमरा सेटअप मिल जाता है। वही दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो पावर बैकअप के लिए दोस्तों आपको स्मार्टफोन में 5000mAh की दमदार बैटरी मिल सकती है, जो दोस्तों 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं वेरिएंट की, तो कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 8GB रैम और 128GB फोन स्टोरेज और 8GB रैम और 256GB फोन स्टोरेज के दो वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। और प्राइस की बात करें तो जिसके स्टार्टिंग वेरिएंट की कीमत भारतीय बाजार में करीब 40,000 के आसपास रहने वाली है। Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफोन Android 11 बेस्ड MIUI 12.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 667 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 480Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। कंपनी ने दोस्तों यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहां पर आपको LPDDR5 एंड USB 3.1 का सपोर्ट मिलने वाला है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन में Qualcomm के सबसे पावरफुल Snapdragon 888 चिपसेट का इस्तेमाल कर सकती है। कैमरे की दोस्तों बात करें तो यहां पर भी आपको AAA कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों 108MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, जबकि 208MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मोड और 5MP का मैक्रो लेंस मिलने वाला है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको 16MP का कैमरा सेटअप मिल जाएगा। पावर बैकअप के लिए कंपनी ने दोस्तों इस स्मार्टफोन में 5000mAh की दमदार बैटरी दी है, जो दोस्तों 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन को 0 से 100% चार्ज होने में करीब 30 मिनट का टाइम लगने वाला है। 30 मिनट के अंदर ही दोस्तों आपका स्मार्टफोन 0 से 100% फुल चार्ज हो जाएगा। दोस्तों कंपनी स्मार्टफोन को 3 वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है, जिसका पहला वेरिएंट दोस्तों 8GB रैम और 128GB फोन स्टोरेज होने वाला है। वहीं दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 256GB फोन स्टोरेज और तीसरा सबसे बड़ा वेरिएंट 12GB रैम और 256GB फोन स्टोरेज होने वाला है। कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में ब्लू, ग्रे एंड व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस करीब 52,000 रुपीज से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप भी Xiaomi के फैन है और Xiaomi के फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो दोस्तों ये दोनों ही फोन आपके लिए पहली पसंद बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।